तो पहला कंसर्न जो है ये इंटरमीडिएट वालों का है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से अब जो है फाइनलाइज हो गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होंगे उनका जो पैटर्न है वो 50 परसेंट एम सी क्यू बेस है और फिफ्टी परसेंट थ्यूरी बेस जो क्वेश्चन आते हैं तो पेपर का जो पैटर्न है वो वही है जो पहले हुआ करता था यानी uh, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप बॉटनी की बात करें तो उसमें वन मार्क क्वेश्चन और टू मार्क क्वेश्चन होते हैं वन मार्क के अंदर यूजली डेफिशन होती हैं और टू मार्क क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से डिटेल होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं आ, आ, वो तो सिंपल से होते हैं जोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन होते हैं एक रीज़निंग क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे रीज़न पूछा जाता है कि कोई चीज़ हो रही है अगर तो उसके पीछे क्या रीज़न है वाई और हाउ का जो है पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है और कुछ नॉन रीजनिंग सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो कि रट्टा लगा कर किए जा सकते हैं बाकी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो थ्योरी का पैटर्न जो है वो वही है के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यही पैटर्न बट फर्क ये होगा कि जो क्वेश्चन होंगे उनका नंबर कम होगा क्यों क्योंकि जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है जब सलेबस रिड्यूस कर दिया गया जो तो जो मेरे ख्याल में पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी शायद कम कर दी गई है थ्री आवर्स से टू आवर्स कर दी गई है तो बॉटनी के अंदर भी टाइम कटेगा और जोलॉजी के अंदर भी टाइम कटेगा जिसका मतलब यह है कि क्वेश्चन जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे जहाँ तक बात है कोर्स की तो कोर्स बोर्ड एग्ज़ाम्स वालों को रिड्यूस सिलेबस फॉलो करना है जो भी रिड्यूस सिलेबस आया है जितने टॉपिक्स उसके अंदर मौजूद हैं इसमें भी कुछ कन्फ्यूजनस हैं कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि उस रिड्यूस सिलेबस के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है बिकॉज एक मेरे ख्याल में किसी का कंसर्न था कि वो सेकंड चैप्टर के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स दिया है तो उसके आगे तो सभी कुछ है तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनानी है जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आ, कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें छोड़नी है और कौन से चैप्टर के अंदर से क्या क्या चीज़ें कवर करनी है बट जितना समझ आ रहा है रेडियो सिलेबस उसको फॉलो करें रीजनिंग क्वेश्चन के ऊपर भी एक वीडियो आनी है जब तक नहीं आई है बाकी नॉन रीजन क्वेश्चन आसान है लॉन्ग क्वेश्चन आसान है बॉटनी के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आसान है तो ये हो गया पहला कंसर्न स्टूडेंट्स का